हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट, ये सवाल दिए गए हैं, डिवाइड के सवाल हैं, हिंदी में भाग कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये सोल्व करनी है, ठीक है जी। तो एक दो क्वेश्चन हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे स्टूडेंट, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा फास्टली करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बढ़िया है। अगर हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझाएगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, है ना स्टूडेंट। जब वैसे तो अगर डिवाइड के क्वेश्चन आपसे आते हैं, उनके स्टेप आते हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कितनी डिजिट का हो, तो स्टूडेंट वो इस बात को मायने नहीं रखता अगर आपको उसके स्टेप पता है। बस डिवाइड के क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट आपसे एक तो टेबल आना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको उसके स्टेप पता होने चाहिए, उसके रूल्स क्या हैं। फिर स्टूडेंट चाहे वो क्वेश्चन 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, सब बड़े आसानी से हो जाते हैं अगर हमें रूल पता है। अगर हमें रूल नहीं पता तो स्टूडेंट हम 1 डिजिट का क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमसे कोई भी अगर हम डिवाइड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमसे वो टेबल आना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, जो पहला नंबर होता है उसे तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, क्योंकि ये डिवाइडेंट है और ये डिवाइजर है। डिवाइजर जिससे भाग दिया जाता है, डिविडेंट जिसे भाग दिया जाता है। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले आप ये सोचेंगे भाई 122 है ना, इसका टेबल आपसे आना चाहिए 122 का। तो स्टूडेंट वो आपसे आता नहीं है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई भी टेबल है अगर वो आपसे नहीं आ रहा तो आप उसे 10 टाइम लिखें ऐसे, तो स्टूडेंट ऐसे आप उसे 10 टाइम लिखें और उसे 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएं स्टूडेंट, सभी टेबल वो जो टेबल है वो बन के तैयार हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए आप, ये स्टूडेंट देखिए, जिससे टेबल बनकर तैयार हो गया 122 बन जा 122 122 जा 244 122 3 जा 366 122 अच्छे 2000 यहाँ पे 488 ओके स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप ये पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप कॉपी में आप पहले टेबल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है जी, और फिर उसे टेबल को लिखने के बाद में फिर आप इसे यहाँ से देख के कर सकते हैं। फाइव टू जो 10 कैरी 1 फाइव टू जो 10 और 111 कैरी 1 आई 5 और 16 6 टू जो 12 कैरी 1 6 टू जो 12 और 113 कैरी 1 6 वन जो 6 और 17। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप सभी टेबल बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा है,
है ए 385 का टेबल भी आप इसी तरह बनाएंगे, है जी 125 का टेबल भी आप इसी तरह बनाएंगे, 416 का टेबल भी आप इसी तरह बनाएंगे और 854 का टेबल भी आप इसी तरह बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15 कैरी 1, 7 1 7 और 1 8। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इस तरह आप पूरा टेबल बना लेंगे और उसे लिखना कॉपी पे लिख लेंगे, जो आंसर आता है स्टूडेंट यही हमारा टेबल होता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ को क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ 7 है और ये डिवाइड कैसे कर रहे हैं आप 122 से, तो ये इससे कम है, कम है तो टेबल अप्लाई नहीं होने का, तो नेक्स्ट डिजिट मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 73 हो जाएंगे स्टूडेंट। अब 73 भी कम है तो नेक्स्ट डिजिट और मैच कर लेंगे तो 732 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब 732 ज़्यादा हो गया, अब हमें यहाँ पे देखेंगे हम जहाँ पे अधिक हो जाएगा उससे एक कम चलाएंगे, उससे कम एक कम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 5 जा तो है 610 कम है, 6 जा हो 732, तो स्टूडेंट ये तो पूरे मैच हो गए है ना, 732 यहाँ है, 732 ही यहाँ है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चलेगी स्टूडेंट, कौन सी चलेगी 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, अब इसे माइनस कर लीजिए, 2 में से 2 माइनस कर दिए 0 और 3 में से 3 माइनस कर दिए 0 और 7 में 7 माइनस कर दिए 0, तो ओके स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अगर आप चाहे देखिए इसमें थोड़ा वक्त लगता है टेबल बना के देखने में, है ना, तो स्टूडेंट देखिए अब ये 4 है ये 251 है, तो 4 कम है जी तो 6 और मैच कर लेंगे कितने हो गए 46, अब भी कम है 0 और ऐड कर लेंगे कितना होगा 460, तो अब ये इससे अधिक हो गया, अब इस पर 460 पे हम चलाएंगे, जो डिजिट हमारे स्टूडेंट बच जाते हैं उन्हें बची रहने देते हैं, फिर वे ब्रिंग डाउन के काम आती है। तो स्टूडेंट अब देखिए अगर यहाँ पे 460 है, अगर हम इसे 2 जगह चलाएं तो स्टूडेंट 2 जगह मतलब है डबल हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट जैसे हम ये पूरा टेबल बना रहे हैं, हम ऐसे ना बना के टेबल अगर हम गैस करके देखें कि भाई कितनी बार ये टेबल अप्लाई हो सकता है, तो स्टूडेंट हमें क्या होगा कि हम पूरा टेबल ना बना के कुछ ही टेबल में काम चल जाएगा। जैसे 4 है 2 का, अगर हम 2 को डबल करें तो स्टूडेंट यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन है जितनी बार आप चलाना चाहते हैं उसे लास्ट वाले डिजिट से मैच करके देख लीजिए। हम 2 जा चलाना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो 2 2 जा 4 यहाँ भी 4 आ गया, तो स्टूडेंट चल सकती है। अगर स्टूडेंट हम 3 जा चलाना चाह रहे हैं लास्ट से मैच कर रहे हैं 3 जा 6, तो यहाँ 6 हो गए तो ये से अधिक हो जाएगी, है ना। जैसे हम 2 जा चलाना चाह रहे हैं 2 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये आ गया स्टूडेंट, तो 2 जा देखिए ये 400 है ये 500 है ना, तो ये अधिक हो गया, तो 2 जा अधिक हो गए, हमें हमेशा देख लेना चाहिए कि कहाँ पे अधिक हो गई, जहाँ अधिक हो जाए वहाँ से एक कम टेबल जो है अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। 2 जा अधिक हो गए तो इसलिए हम 1 जा ही चलाएंगे, अब माइनस कर दीजिए यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ 5 रह गए, 5 में से 5 गए 0, अब स्टूडेंट यहाँ कितने रह गए है ना, यहाँ तो 4 रहे, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए आपको 2 ही बच जाएगा। ओके अब स्टूडेंट हमारे पास क्या बच रहा, देखिए हमेशा जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इससे कम बचना चाहिए, हमेशा चेक करें, अगर ज़्यादा है या इक्वल है तो स्टूडेंट आपने कम चलाया है टेबल, कम अप्लाई किया है, अधिक करना था आपको, अब ये 9 है आप 9 को यहाँ पे
प्रिंट डाउन कर लें। ठीक है जी, अब स्टूडेंट हम सोचेंगे हम इसको कितनी बार चलाएं। ठीक है जी, तो अगर स्टूडेंट हम मान लीजिए कि भाई ये तो बहुत बड़ी डिजिट है, हम 7 से चला कर देखते हैं, 7 2 14 है ना, तो देखो स्टूडेंट ये 20 है, यहाँ 14 हो जाएगा तो कम रहेगा। 8 से चला कर देखो 16 भी 20 से कम है तो 8 से चलने की संभावना है। अगर हम स्टूडेंट 9 से चलाएं, 9 से 18 वो भी कम है ना, तो ये हम ऐसे गैस करके स्टूडेंट सोच सकता है कितनी बार चलाएं। तो भाई 9 से चला के देख लीजिए आप, पहले हमने सोचा भाई 9 से चल जाएगी, 9 2 18 हो, ये 20 है तो कम है इससे, 9 1 9 9 5 45 4 9 2 18 18 4 22 तो स्टूडेंट ये 20 था, ये 22 हो गया, अधिक हो गया 9 जा, तो हम इनके 8 से चला के देखेंगे, 8 1 8 8 5 40 4 8 2 16 16 4 20 तो स्टूडेंट ये आ गया, ये 208 है, ये 299 है, तो स्टूडेंट कम है, 9 से अधिक हो गए थे, जहाँ अधिक हो जाए उससे कम चलानी, इस बात का याद रखें, हमेशा देख लें कहाँ अधिक हुआ। तो स्टूडेंट 9 से अधिक हो गए थे इसलिए हमने 8 से चलाए। ठीक है, तो हमने इसी यहाँ ले लिया, तो स्टूडेंट इससे गैस करने से हमें एक बेनिफिट हुआ कि हमारा कुछ समय बच गया। तो इससे हमारा कुछ समय बच गया कि हमें पूरा का पूरा टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं हुई है ना, तो हम ऐसे गैस करके देख लेंगे, तो हमें 2-3 बार, अब जो स्टूडेंट ये हमें बनाते हैं ना, कभी भी रेज मत करें, रिमूव मत करें, क्योंकि दोबारा भी यही काम आ सकते हैं, है ना, तो ये रफ कॉपी का काम है स्टूडेंट, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इनके, इसने कहा था कि क्वाड्रेंट और रिमाइंडर बताइए, तो स्टूडेंट आप इनके आंसर भी लिखेंगे, 6 रिमाइंडर 0, और इसका आंसर आ जाएगा जी 18 और जी रिमाइंडर 91। ठीक है जी, अब स्टूडेंट आप अपने अगर डिवाइड के इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि आप इन्हें चेक कर लें कि मेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए, तो स्टूडेंट जो भी आपका क्वेश्चन आया ये और जो आपका डिवाइजर है ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 91 उसमें ऐड कर दिया जाए रिमाइंडर, तो स्टूडेंट अगर ये आंसर आ जाए 4609 है ना, जो भी डिविडेंट हो स्टूडेंट, तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज गलत है। चेक करके दिखाएं क्वेश्चन, देखिए 251 है स्टूडेंट, हमें से 18 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 8 8 5 4 4 8 2 16 16 4 20 ओके स्टूडेंट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का सेम आएगा, 1 आ गया। अब स्टूडेंट इसमें क्या जोड़ना, 91 जोड़ ऐड करना, 91 ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 9 10 6 4, तो देखिए स्टूडेंट सेम आंसर आ गया इसका, तो ये इसे कहते हैं हम चेकिंग वे, इस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है या गलत है। ठीक है जी, तो इसमें आंसर शीट की भी आवश्यकता नहीं होती। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका सी, ये रहा जी आपका सी, थ्री 7 9 0 4 60। तो स्टूडेंट देखिए 3 है, ये 460 है, 3 कम है, 7 का 7 के साथ पेयर बना, 37 हो गए, अब भी कम रहेगा,
स्टूडेंट 9 को भी ऐड कर लिया तो 379 हो गए, अब भी कम है 400 से, तो स्टूडेंट पूरे पूरे पे आप इन्हें चलाएंगे। तो ठीक है जी, अब या तो आप टेबल बना लीजिए स्टूडेंट, या फिर आप सोच लीजिए कितनी बार आपको अप्लाई करना है टेबल। तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम 8 से चला कर देखें 32 हो जाएगा स्टूडेंट, या 37 है, लास्ट वाले से मैच करते हैं, जो भी लास्ट वाली डिजिट होती है उससे करते हैं, 4 जा 5 जा 6 जा। तो स्टूडेंट अगर हम 9 का चलावे इसको, 9 जा कितने हो गए 36, यहाँ 37 है। तो स्टूडेंट हमेशा 9 जा ही चलती है, 9 जा से ऊपर नहीं चल सकती कोई भी टेबल, आप 9 जा तक ही अप्लाई करेंगे, कभी भी 10 जा नहीं करेंगे। अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि आप 10 जा अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ 10 जा अप्लाई ना करके आप वहाँ 1 जा अप्लाई करें, ठीक है, वहाँ वंस चल जाएगी, एक बार चल जाएगी, जहाँ टेंजा लग रहा है आपको, टेंजा कभी नहीं चलती, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमने 9 जा 36 हो गए, तो इसे 9 पूरा टेबल ना बना के हमने 9 से ही मल्टीप्लाई करके देख लिया स्टूडेंट, है ना, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 1 जा 9 9 और 5 14 कैरी 1, और 9 4 जा 36 और 137, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया, देखो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर 10 हो गए, 10 में से आपने 4 माइनस कर दिया 6 रह गए स्टूडेंट, यहाँ 8 रह गए 8 में से 4 माइनस कर दिया आपको 4 बच गए, अब 7 में से 7 गए 0 और 3 में से 3 गए 0। ओके स्टूडेंट, देखिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम रहना चाहिए, ठीक है जी, तो कम ही है। तो इस प्रकार आप स्टूडेंट आप दो मेथड हैं, या तो आप पूरा टेबल बना कर लिख लीजिए, या फिर आप सोच सोच के लिख लीजिए, गैस कर लीजिए। सिक्स एट टू फाइव 125, ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये 6 है, कम है, 8 और ऐड कर लिए 68 हो गया, अभी कम है, अब 2 और ऐड कर लिए स्टूडेंट 682 हो गया, है ना स्टूडेंट। तो अगर हम 6 जा ऐड करें, अगर हम 6 बार चलाएं, लास्ट से चला रहे 6 1 जा 6 600 के नीचे आएगा, और ये 25 है ना, ये भी 6 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना स्टूडेंट, तो ये अधिक हो जाएगा, या करके देख लीजिए। देखो आप, अब मान लीजिए आपने सोचा भाई 6 1 जा 6 ही चला लूँगा, है ना, तो आपने देख लिया 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, और 6 1 जा 6 7 7, तो देखो स्टूडेंट अधिक होगा ना, तो इसलिए हम ये अधिक होगा, तो इसलिए हम 5 का चलाएंगे, अधिक जरूर देखना है कि कहाँ अधिक होता है, उससे बाद में चलाना है। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, और 5 1 जा 5 और 1 6, तो स्टूडेंट ये आ गया 625, ठीक है जी। अब इन्हें माइनस कर लीजिए स्टूडेंट, 1 कैरी धर ले, यहाँ 12 हो गए, 12 में से 5 माइनस कर दिया 7 हो गए जी, यहाँ रह गए 7, 7 में से 2 माइनस कर दिया, तो स्टूडेंट यहाँ क्या रहेगी 5, अब यहाँ पे 0, ठीक है जी। हमेशा कम ही रिमाइंडर रहना चाहिए, अब 5 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे, कितनी बार चलाए थे स्टूडेंट आपने 5 जा, सबसे पहले आप 5 को यहाँ लिखिए, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हम मान लीजिए ये 5 जे तो अधिक हो गई, देखो स्टूडेंट है ना, तो 4 जे चला कर देख लेंगे 125 4 जे 500, ठीक है जी। तो अब इनके भी आंसर लिख लीजिए, तो स्टूडेंट इसे 9 टाइम करा था ना हमने, 9 रिमाइंडर 46,
अब इसका भी आंसर लिख लीजिए, 54 रिमाइंडर 75। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई की तो जी ये क्वेश्चन है आपका 1,690 / 385 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब स्टूडेंट ये 16 है यहाँ, अब लास्ट से लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ 16 है, बहुत कम है, 5 से करेंगे 15 हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट 5 इसके इक्वल गया 16 के, है ना। तो स्टूडेंट हम इसे 5 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 5 इसके बहुत इक्वल जा रही है। फाइव से फाइव फाइव जा 25 कैरी 2, 5 एट जा 42 कैरी 4, 5 थ्री जा 15 और 4 19। तो स्टूडेंट ये तो अधिक हो गया, तो ये अधिक हो गया, हम क्या करेंगे, अब 4 जा कर लेंगे, 4 जा 16 कैरी 1 और 4 एट जा 32 और 133 कैरी 3 है जी, 3 जा 12 और 350। तो जी स्टूडेंट ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ 5 था, ये यहाँ 5 है। फाइव 4 जा 20 कैरी 2 और 5 8 जा 32 और 234 ये आ गया। ओके स्टूडेंट, तो जी ये आंसर आ गया स्टूडेंट आपका, है ना। आप लिख सकते हैं आंसर कितनी बार किया था हमने स्टूडेंट, 4 times 4 आंसर, रिमाइंडर आपका आ गया जी 150। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8,927,113। तो स्टूडेंट अगर 6 जो चलाए तो कम रह जाएगा काफ़ी, तो स्टूडेंट इसलिए 7 जो चला कर देखते हैं, तो हम यहाँ 7 लिखते हैं। ठीक है जी, देखिए 8 है कम है, 89 हो गए, अब भी कम हो गए, तो हमें 822 पे चला है, 92 पे स्टूडेंट है। तो 113 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 जा 7 आ 29 और 7, तो ये आ गया जी 91। अब 101, अब स्टूडेंट हमारे पास 7 बच रहा, इसे यार ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब कितनी बार चलाएंगे, अब स्टूडेंट ये 10 है तो 9 1 9, तो हम 9 जा चला के देखते हैं, 9 3 जा 27 2 9 1 9 2 11 कैरी 1 9 1 10। तो स्टूडेंट पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है ना। तो आप इनके यहाँ 0 देखिए, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे 0 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 79 और रिमाइंडर आ जाएगा इसका 0। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम्म,
2 2 8 4 3 431। देखिए स्टूडेंट, अगर हम 2 से चलाएं तो 8 ही होगा, 22 है ना। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हम कितनी बार चलेंगे। ये 2 है स्टूडेंट, 22 होगा, कम रहेगा 228 होगा, भी कम रहेगा 2284 पे हम चला रहे हैं। इस पर इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक चला रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट अगर 4 जो चला 16 हो जाए, 5 जो चला हुए तो कितना हो जाएगा जी 20। अब स्टूडेंट ये भी 5 टाइम ही होगा, तो 5 जो चला कर देख लेते हैं, 5 1 5 5 3 15 carry 1, 5 4 20 or 1 21। ठीक है जी, अब इन्हें माइनस कर लेते हैं। यहाँ 14 हो गए, 14 में से 5 माइनस कर दिए 9। अब यहाँ स्टूडेंट 7 रह गए, 7 में से 5 माइनस कर दिए 2, और 1 2 में से 1 माइनस गया तो 1। अब यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, 3 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, अब 3 4 12, तो 12 क्यों नहीं आएगा, तो स्टूडेंट 3 जो चला के देख लेंगे, 3 1 3 3 3 9 और 3 4 12। ओके स्टूडेंट, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 53 आंसर आ गया और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 8 7 8 8 डिवाइडर क्या है जी आपका 8 5 4। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब यहाँ 18 है, अब देखिए ये 854 है, ये 1 है, 8 और ऐड कर लिया 18 हो गए, कम है जी, अभी 7 और ऐड कर लिया 187 हो गया, अभी कम है 800 सर, तो हमने 8 को और ऐड कर लिया, तो स्टूडेंट हम 1878 पर चला रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसे 3 जा चलाए तो 24 हो जाएगा, यहाँ 18 ही है, तो हम इसे 2 जा चला कर देख लेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17, 0 7 1 0 ब्रिंग डाउन कर लिया स्टूडेंट आपने 8। तो स्टूडेंट 2 जा ये था, ये सेम का सेम यही है जी, तो इसलिए दोबारा भी 2 जा ही चल जाएगी, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट, आंसर आगा 22 और रिमाइंडर आगा आपका जी 0। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, ठीक है जी, और स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, सब में डिवाइड करना, बस आपको रूल्स आने चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट हम इसे करते हैं, फाइव थ्री टू एट नाइन सिक्स एट थ्री। तो स्टूडेंट देखिए 683 से आपको डिवाइड करना है, किसे करना है, यहाँ पे 5 है, 5 कम रह गया तो हम 3 ऐड कर लेंगे, 53 हो गया स्टूडेंट, अब भी कम रह गया, अब 2 को भी ऐड कर लेंगे, 532 हो गया, अब भी 600 से कम है, तो स्टूडेंट हम 8 को भी कर लेंगे, तो 5328 हो गया। ठीक है जी, तो हम इस पर अब चलाएंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट कितनी बार चलेगी। अगर 60 चलाए 36 हो गए, कम रह गए, 70 चलाए 42 हो गए। ओके स्टूडेंट, और अगर 8 जो चलाए 48 हो जाएंगे, तो स्टूडेंट लेकिन जो 83 है ये भी इसी के अनुसार ही मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं, 8 जो चला के देख लेते हैं,
एट जा देख लीजिए, एट थ्री जा 24, कैरी टू, एट एट जा 64, आ टू 66, कैरी सिक्स, और एट सिक्स जा 48, 48 और सिक्स 54, तो स्टूडेंट अधिक होगा, यहाँ पर 53 है, यहाँ 54 है ना, तो हम 70 चला लेंगे। सेवन थ्री जा 21, कैरी टू, सेवन एट जा 56, 57, 58, फाइव, सेवन सिक्स जा 42, 42 और फाइव कितने हो गए जी 47। तो स्टूडेंट ये आ गया 4, 7, 8, 9 और ये इससे कम है, अब आप इसे माइनस कर लीजिए, 7, 4 और जी अब यहाँ कितने हो गए 12 में से 7 गए 5 और 1 कैरी इधर चला गया था स्टूडेंट, यहाँ 0 आ जाएगी, अब ब्रेक डाउन कर लिया आपने 9, तो कितनी बार चला स्टूडेंट हमने 7 जा, तो 7 को यहाँ लिखिए, ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये इससे अधिक है तो 7 जाए तो चलने की नहीं, 8 जाइए रही, 8 जाइए चला रहे हैं, देखो स्टूडेंट पहले से है लिखी हुई, तो स्टूडेंट ये आंसर आपका आ गया, इसका आंसर लिख दीजिए 7, 8 रिमाइंडर 15, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 7, 4, 3, 2, 6, 9, 8, 6, तो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट ये 1000 के करीब जा रहा है तो ये भी 1000 पे ही जाएगा, 700 से काम नहीं चलने का, तो 2 तक का ऐड करना होगा 7432 तक, है ना। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम 8 जा चलाए तो 72 हो जाएंगे, चल सकती है 8 जा, 9 जो चलने की 81 अधिक हो जाएंगे सर, तो हम क्या चला के देख रहे हैं जी 9, 8, 6, 8 जा देखते हैं, है जी 8, 6, 48, 4, 8, 8, 64 और 68, 6 और जी 8, 9, 72 और जी 6, 78 ये हो गया स्टूडेंट, और ये इससे अधिक है, यहाँ 74 है, यहाँ 78 है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम 7 चला कर देखेंगे, सेवन सिक्स 42 कैरी 4 और 7, 8 से 56 और जी 4, 60 कैरी 6 और जी कितने हो गए स्टूडेंट 7, 9 से 63 और 6, 69, तो ये आ गया जी 74 से कम है ना, और जहाँ अधिक हो जाए उससे एक कम चलाते हैं, तो क्या चलाई हमने 7 जाए, 7 को यहाँ पे लिख देंगे 0, 3, अब कितने हो गए स्टूडेंट यहाँ पे 14 हो गए, तो 14 में से 9 माइनस कर लीजिए 5, यहाँ 0, अब यहाँ पे 6 को ब्रिंग डाउन कर लीजिए, अब कितनी बार चलेगी जी स्टूडेंट, देखो ये तो ज़्यादा है इससे 7 जो तो चलने की नहीं, तो कम चलेगी 9, 8, 6, तो स्टूडेंट 5 जो चला के देख लेते हैं भाई, ये तो हम सोच सकते हैं ना भाई 5 जो चला के देख कर, तो हमें लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं स्टूडेंट 45 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 54 है तो साल लगभग चली जाए 5, 6, 30 कैरी 3 और 5, 8, 40 और 3, 43 कैरी 4 और 5, 9, 45
are 449. तो जी 6 का 6 यहाँ 10 हो गए, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे रह गए 12, और जी 12 में से आपने 9 माइनस कर दिया स्टूडेंट, यहाँ 3 एक कैरी रह चला गया था, यहाँ तो 0 रह जाएगी। ठीक है जी, अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ भी डिजिट नहीं है बाकी, तो स्टूडेंट इसका यही आंसर होगा। तो ये हमने कितनी बार चलाई स्टूडेंट, हमने यहाँ 5G चलाई थी, यहाँ पहले 5G लिखी थी 9 8 6 रिमाइंडर 376। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइन एट सेवन फोर थ्री 153 स्टूडेंट, ये 9 है, 153 से कम है, 8 और ऐड कर लिया 98 हो गए, अब भी कम रह गया 7 और ऐड कर लिया स्टूडेंट, तो अब ये अधिक हो गए है ना, 987 हो गए, 153 है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब यहाँ हम 7 चलाएं, 7 1 7 8 चलाएं 8 1 जाए, तो लेकिन स्टूडेंट जो 53 है ये भी तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 चला कर देख लेते हैं 153 6 6 3 18 carry 1 6 5 30 1 81 और 6 1 3 और 1 9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 918 हो गए, अगर स्टूडेंट हम 7 चलाएं तो ये ऐड होगा, जब भी तो अगली 7 आएगा इसमें अगर हम 153 ऐड कर दें तो ये इससे अधिक हो जाएगा काफ़ी है ना, तो इसलिए 6 ही चल जाएगी, 7 अधिक हो गई। यहाँ कितने हो गए 17, यहाँ 9 बच गए, यहाँ 7 रह गए थे, 7 में से 1 गए 6, यहाँ पे 0 ब्रिंग डाउन कर लिया आपने, यहाँ पे 4। अब स्टूडेंट 4 जो चला के देख लीजिए, 4 3 12 carry 1 4 5 20 1 21 carry 2 4 1 4 2 6 तो 4 में से 2 माइनस कर दिया 2 रह गए, 8 में से 1 माइनस कर दिया 9 में से 1 माइनस कर दिया 8 रह गए। अब आपने ब्रिंग डाउन कर लिया 3, तो अब आप यहाँ पे 5G चला के देख लेंगे स्टूडेंट, 5 3 15 carry 1 5 5 25 और 1 26 carry 2 और 5 1 5 2 7 अब यहाँ हो गए 13 में से आपने 5 माइनस कर दिया 8 रह गए, यहाँ 1 रह गए थे, यहाँ 11 हो गए जी, 11 में से 6 माइनस कर दिया 5 रह गया, अब 1 carry चला गया था स्टूडेंट, यहाँ पर 0 है, तो यही आपका आंसर आ गया, आप लिख सकते हैं आंसर 645 रिमाइंडर 58। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लीजिए 392453 537। तो स्टूडेंट 100 में तो चलने का नहीं, क्योंकि यहाँ 300 ही होंगे, 500 है ना, तो स्टूडेंट 1000 में चलेगा, 3942 पे चला रहे हैं यार 24 पे स्टूडेंट, सॉरी, तो 7 5 35 और 8 से चला रहे तो 40 हो जाएगा, 8 से स्टूडेंट अधिक हो जाएगा है ना, तो इसलिए हम 7 जा चला रहे हैं 7 7 49 carry 4 और 7 3 21 और 4 25 carry 2 और जी 7 5 35 2 7 37 हो जाएगा, अब माइनस कर लीजिए, अब यहाँ 14 हो गए, 14 में से 9 गए 5, अब यहाँ 1 हो गए तो 1 में से आपने 5 माइनस कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएंगे 6,
अब वन के लिए चला गया, यहाँ एट रह गया, एट में से सेवन गए वन, और थ्री में से थ्री गए जीरो, और ब्रिंग डाउन कर लिया गया आपने फाइव। ठीक है जी, अब कितनी बार चलाए, थ्री फाइव जा फिफ्टीन हो गए लगभग जा रहा स्टूडेंट, इसलिए थ्री से चला के देख लेते हैं, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन कैरी टू, और थ्री थ्री जा नाइन और टू अलेवन कैरी वन, और फिफ्टीन और वन सिक्सटीन, फोर फोर जीरो जीरो, तो स्टूडेंट ये बच गया हमारे पास। अब हमारे पास थ्री है, थ्री को हमने ब्रिंग डाउन किया स्टूडेंट, ये ब्रिंग डाउन कर लिया हमने थ्री को, लेकिन ब्रिंग डाउन करने के बाद भी डिजिट को ऊपर से नीचे लाने के बावजूद भी स्टूडेंट ये टेबल अप्लाई नहीं हुआ तो नहीं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में एक जीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये आपका आंसर होगा, क्योंकि आपके पास अब दोबारा बाकी कोई भी डिजिट नहीं है शेष, यहाँ बची हुई जो आपको उसे ब्रिंग डाउन करनी, सेवन हंड्रेड थर्टी रिमाइंडर फोर फोर थ्री। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्री टू सिक्स जीरो फाइव फोर डिवाइड करना जी सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव से। तो स्टूडेंट हंड्रेड में तो चलने का नहीं, क्योंकि यहाँ थ्री है तो थाउजेंड में चलेगा, तो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी पे आप इसे अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसे फाइव जा करें तो थर्टी फाइव हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा फाइव जो, तो फोर जो चला कर देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना, फोर जो चला दीजिए, फोर फाइव जो ट्वेंटी कैरी टू, फोर सेवन जो ट्वेंटी एट आर टू थर्टी कैरी थ्री, और जी फोर सेवन जो ट्वेंटी एट आर थ्री थर्टी वन। तो स्टूडेंट ये आ गया, जीरो को जीरो सिक्स के सिक्स वन का वन। ठीक है जी, अब आपके पास फाइव बच रहा तो आपको फाइव को ब्रिंग डाउन कर लेंगे यहाँ पे इसके बराबर में। अब स्टूडेंट देखिए सिक्सटीन है और सेवन टू जा फोर्टीन हो, थ्री जा ट्वेंटी वन तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो टू जा चला लेंगे, फाइव फाइव टेन की जीरो कैरी वन, और सेवन सेवन फोर्टीन और वन फिफ्टीन कैरी वन, सेवन फोर्टीन और वन फिफ्टीन, फाइव के फाइव फाइव के फाइव, जीरो की जीरो जीरो की जीरो। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास क्या बचा हुआ है, फोर, आप फोर को ब्रिंग डाउन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट देखिए ये सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव है, ये ब्रिंग डाउन करने के बावजूद भी फाइव हंड्रेड फिफ्टी फोर ही रहा, तो टेबल अप्लाई नहीं होता, तो स्टूडेंट आंसर में एक जीरो ऐड कर दो। और आपके पास कोई भी डिजिट नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए, इस सवाल को यही छोड़ देंगे, तो इसका आ गया आंसर 420, रिमाइंडर आ गया जी 554। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो स्टूडेंट ये फोर है कम है, फोर्टी एट भी कम हो जाएंगे, हंड्रेड से है स्टूडेंट और जीरो और कर लिए, फोर हंड्रेड हो गए, थ्री हंड्रेड हो गए। ठीक है जी, तो वंजा चल जाएगी स्टूडेंट, टेन हो जाएंगे, टेन में से टू माइनस करके एट, यहाँ रह गए सेवन, सेवन में सिक्स माइनस करके वन,
अब स्टूडेंट ये 4 है, 4 में 3 माइनस कर दिए 1, अब 9 को ब्रिंग डाउन कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट 3 जो 9 हो जाएंगे, 3 4 जो 12 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 जो ही चलानी होगी, 3 2 जो 6, 3 6 जो 18 कैरी 1, और 3 3 जो 9 और 1 10, तो 9 में से 6 माइनस कर दिए 3, 8 में से 8 माइनस कर दिए 0, और 1 में से 0 माइनस कर दिए 1, और 1 में से माइनस कर दिए 1 0। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 6। आप 6 को ब्रिंग डाउन करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। अब आप कितनी बार चलाओगे, तो स्टूडेंट 3 3 जो 9, और ये ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 जो चला के देख लो, 2 2 जो 4, और 2 6 जो 12 कैरी 1, 2 6 जो 6 और 1 7, ये हो गई। अब इन्हें माइनस कर देते हैं, यहाँ पे क्या रह गया, 2 1 3, हाँ जी। देखिए इससे कम बचाना, तो हमें से कम ही बचना चाहिए स्टूडेंट। अब आपके पास 1 है, 1 को आप यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर लेंगे, ठीक है जी। अब आप 8 जो चला लेंगे, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 6 जा 48 और 1 49 कैरी 4, और 8 3 जा 24 और 4 28। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ 11 हो गया, 11 में से 6 माइनस कर दिया 5, यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 9 माइनस कर दिया 2। अब स्टूडेंट यहाँ हो गया 10 में से 8 माइनस कर दिया 2, और यहाँ पे 0, तो इसका आंसर आ गया आपका 1328। और स्टूडेंट रिमाइंडर आ गया आपका 225, यानी कि 225। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट ये 100 है, 400 है, यहाँ भी 400 है, पर यहाँ 78 है, यहाँ 53 है, तो ये कम है, तो इसको 1000 में चलेगी, है ना। तो अगर हम 8 जो चलावे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ये 45 है, कम रह जाएगा स्टूडेंट। 9 जो चला कर दीजिए, 9 8 जा 72 कैरी 7, और 9 9 समझे 63, और 7 70 कैरी 7, और जो 36 और 7 43। अब माइनस कर लीजिए, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 0 गए 3, और 5 में से 3 गए 2, और 4 में से 4 गए 0। ओके स्टूडेंट, अब आपको 4 आपके पास है, इसे यहाँ पर ब्रिंग डाउन कर लेंगे, ठीक है जी। अब 4 जो चला जाएंगे, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 7 जा 28 और 3 21 कैरी 3, 16 और 1 70। गलत है ना, दिखे भाई, थर्टी टू 3 28 और 3 21 कैरी 3, और 16 और 3 19।
4 में से 2 माइनस कर दिया 2, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 माइनस कर दिया 9, और यहाँ रह गई, यहाँ हो गया 12, 12 में से 9 माइनस कर दिया 3, और यहाँ पे 0। अब आपके पास 0 और बची, इसे भी डाउन कर लिया आपने। ओके स्टूडेंट, अब कितनी बार चलेंगे, 7 जा 28 हो जाएंगे, 8 जा 32 हो जाएंगे, 8 जा देख लेते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 7 जा 56 और जी 6 62 कैरी 6 और जी 32 और 6 38 6 बच गए। अब यहाँ पे बन रहे थे जी 9 हो गए, अब यहाँ पे एक इधर से लगा है, 8 था 0 रह गई। तो स्टूडेंट अब उतारने को आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यही आंसर है 9 4 8 रिमाइंडर 96। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट ये 200 है 400 है, तो वन इसमें वंजा ही चल जाएगी, है ना, तो हम यहाँ पे वंजा लिख लेंगे। 7 में से 6 माइनस कर दिया 1, और 6 में से 5 माइनस कर दिया 1, और जी 2 में से 4 में से 2 माइनस कर दिए 2। अब स्टूडेंट आपके पास 8 है, आपने 8 को ब्रिंग डाउन कर लिया है ना, तो आप कितनी बार चला गए देखेंगे, 7 जा 21 तो फिर ये भी हो गए, तो इसलिए हम एक कम चला के देखिए स्टूडेंट, पहले 256 एट जा 2048 ओके 0 7 0 0। अब ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 3, अब तुझे ही चल जाएगी स्टूडेंट 256 टू जा 512 191। अब आपके पास 4 है, 4 को आपने ब्रिंग डाउन कर लिया जी, तो अब 7 जा चला रहे हैं स्टूडेंट, और आपका 7 जा हो जाएगा जी 1792 टू 11 हो गए स्टूडेंट 2। अब एक ही दर्ज लगा 8 रह गए, 8 में से 7 माइनस कर दिए 1। तो स्टूडेंट अब आपके पास कोई भी ब्रिंग डाउन करने के लिए नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1827 रिमाइंडर 122। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सम कंप्लीट देम देन चेक। स्टूडेंट जो आपको ये देखा है इसके लिए कहा गया है, पहले तो आप इन्हें एक क्वेश्चन के रूप में लिखिए, क्वेश्चन के रूप में लिखने के बाद इसे सोल्व कीजिए, और फिर स्टूडेंट उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए, इनके चेक कीजिए कि वो सवाल सही है या गलत है। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले डिवाइडेंड लिखते हैं 2 3 6 5 8। अब डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और 205 जो डिवाइजर है इसे लिखें। ओके स्टूडेंट, अब इसे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 2 है, तो हम 205 से 3 और ऐड कर लिया, 23 हो गए स्टूडेंट,
है ना, अब भी कम रह गए, 6 और ऐड कर लिया, 236 हो गए, और ये 205 है तो अधिक हो गए, तो वन जा चलेगी ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे वन जा चल जाएगी। अब आपने ब्रिंग डाउन कर लिया यहाँ पे स्टूडेंट 5, तो स्टूडेंट अब भी वन जा चलेगी, ये आ गया, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने, अब ए अब स्टूडेंट आप 5 जो चला रहे हैं, 5 जा 25 और 5 टू जा 10, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका कोशेंट हो गया, ये आपका डिवाइजर होगा, ये आपका डिवाइडर होगा। ओके स्टूडेंट, इसने कहा था इसे करने के बाद इसे चेक कीजिए, चेक कैसे होता है स्टूडेंट वो देख लीजिए। देखिए जो डिवाइडेंट है इसे हम, ये डिवाइडेंट है इसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई, ये हमारा डिवाइजर, मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस ये जो हमारा रिमाइंडर है ये, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए निकालना हमें क्या निकालना, डिविडेंट निकालना, डिवाइजर कितना हमारा, क्वाटेंट कितना स्टूडेंट हमारा 15, मल्टीप्लाई डिवाइजर कितना 205 प्लस रिमाइंडर कितना 83, ठीक है जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइव फाइव जो 25 और 5 टू जो 10, वन से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट सेम का सेम आंसर आएगा, तो ये आ गया जी है ना। अब इसमें हमें 83 और प्लस करनी, तो स्टूडेंट यहाँ पे, यहाँ पर कर लेते हैं चलो, क्योंकि रिमाइंडर प्लस होना ये वाला, तो स्टूडेंट देखिए जो आपका ये डिवाइडेंट था ना ये वाला, और देखिए ये आंसर आया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो चेक हो चुका है, आप यहाँ लिख सकते हैं चेक, CHECK चेक, कि आपने यहाँ पे चेक करके देख लिया सही है। अगर स्टूडेंट किसी कारण ये आंसर नहीं आता जो आपका डिवाइडेंट है, तो ये आपने कहीं डिवाइड में गलती कर दी, ठीक है जी, तो इसे आपको दोबारा करके देखना चाहिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर बी है आपका, पहले तो इस डिजिट को आप यहाँ लिख लेंगे, अब डिवाइड बाय 784 8402 784। ओके स्टूडेंट देखिए 840 है, 700 है, तो वंजा चल जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएंगे स्टूडेंट, 10 में से आपने 4 माइनस कर दिया 6, यहाँ रह गए 3, और 3 में से 8 माइनस नहीं होने के स्टूडेंट, इधर से के ले लिए यहाँ पे 13 हो गए, 13 में से आपने 8 माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा 5, एक के लिए इधर चला गया, अभी 7 रह गए, अभी 7 रह गए, एट फोर स्टूडेंट ये भी गलत हो गया, यहाँ पे जी 8 था, ये डिजिट थोड़ी रॉन्ग हो गई थी, तो यहाँ 4 आ गया,
है ना। अब ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये 0 हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे 2 ब्रिंग डाउन कर लिया है ना। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट 0 ब्रिंग डाउन की। तो जी स्टेबल अभी अप्लाई नहीं होता तो हम सर्वे 0 ऐड कर देंगे और ब्रिंग डाउन कर लेंगे आप 2। ठीक है जी, अब एट जा चला लेंगे स्टूडेंट 784 एट जा। तो स्टूडेंट ये होता है जी 6272। अब 2 में से 2 गए 0। अब यहाँ पर 10 में से 7 माइनस कर दिया, यहाँ पे 3 रहेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ क्या रहेगा 3, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ 0। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। अब हम इसे चेक करेंगे CHECQ चेक के लिए डिवाइडेंड इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, यानी कि कोशेंट हमारा कितना 108, डिवाइजर कितना हमारा 784, रिमाइंडर प्लस कितना है 30। ठीक है जी, अब 1784 को 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी स्टूडेंट, कोई भी डिजिट ऊपर आ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 8 4 32 कैरी 3, 8 8 64 और 3 7 कैरी 6, 8 7 56 और जी 6 कितना हो गए 62। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट 0 से करेंगे। अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की सभी डिजिट 0 हो जाती है, 1 से करेंगे तो सेम की सेम आ जाएंगी। तो स्टूडेंट ये आ गया है ना। अब इसमें हमें कितना प्लस कर रहे हैं 130 20। अब स्टूडेंट डिवाइडेंट देख लीजिए आप, इतना ये हमारा डिवाइडेंट है स्टूडेंट और ये आंसर आया हमारा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था बी वाला ये बिल्कुल सही है। अगर स्टूडेंट ये डिवाइडेंट नहीं आता प्लस करके तो स्टूडेंट इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक थी, तो हमें इसे दोबारा चेक करना था अपने क्वेश्चन को। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर सी। तो स्टूडेंट पहले इसका सम बना लीजिए 91624 डिवाइड बाय 314। तो स्टूडेंट ये 916 है, 300 है, तो स्टूडेंट इस पर 2 जा चल जाएगी, 3 जा तो चलने की 2 जा चलेंगे, 14 2 जा 28 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ 16 हो गया, 16 में से 8 माइनस कर दिया 8 रह जाएंगे, यहाँ पे 0 रहेगी थी, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8 और ये स्टूडेंट एक इधर चला गया था, यहाँ कितने रह गए थे 8 8 और 6 गए 2। ठीक है जी, अब आपके पास क्या बच रहा है 2, तो आप 2 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे और कितनी बार करेंगे, अगर 9 जा करें 27 हो जाएगा, 28 है स्टूडेंट, तो 9 जो चला लो। तो 314 को 9 से कर लो, 9 4 जा 36 कैरी 3 और 9 1 जा 9 और 2
12 carry 1, 27, 28. स्टूडेंट ये आ गया, अब माइनस कर लो, 12 हो गए, 12 में से 6 किया 6, यहाँ कितने रह गए थे 7, 7 में से आपने 2 माइनस कर दिया 5, बाकी सब 0 0। अब ब्रिंग डाउन करने के लिए आपके पास 4 बच रहा है, अभी 4 को आप ब्रिंग डाउन कर लिया स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये 500 है, अरे 300 है, अगर 2 जब चलाए तो 6 हो जाएगा, तो इसलिए 1 जाए चल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका डिविडेंट है, ये आपका डिवाइजर है। तो आपने सवाल को चेक कर ली थी, चेक डिवाइडेंट क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 291 मल्टीप्लाई डिवाइजर के साथ 340 और प्लस रिमाइंडर 250। ओके स्टूडेंट, तो 134 को 291 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ है जी, जो ऊपर डिजिट है सेम की सेम आ जाएगी। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 फोर जो 36 कैरी 3 और 9 वन जो 9 और 3 12 कैरी 1 और 9 3 जो 27 और 1 28। अब 2 सर कर देंगे, 14 टू जो 28 और 3 टू जो 6 4 7 10 3 1 और 9 स्टूडेंट ये आ गए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर इसमें ऐड करेंगे, फोर 12 619। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया, अपन आंसर अपने डिवाइडेंड से मैच कर ली थी, 91624, तो ठीक है ना। तो ये आंसर आपका आ गया, इस तरह आप चेक कर सकते हैं किसी भी डिवाइड के सवाल को। तो स्टूडेंट इसका भी सम बना लेंगे, 99000 99,000 डिवाइड बाय 485, ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये 900 है, 400 है, तो 3 जो तो चलने की 2 जाए चलेगी, 55 90 के लिए 1, 88 16 और 1 17 के लिए 1 और 4 8 और 1 9। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या बच रहा है, 0, हमने ब्रिंग डाउन कर ली 0, तो 200 ही है, 400 है। स्टूडेंट अगर ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में एक 0 ऐड कर देते हैं, आप फिर हमने ब्रिंग डाउन कर ली 0। अब स्टूडेंट ये अधिक हो गए, 2000 हो गए है ना, तो अब देखिए कितनी बार चला है, 4 जो स्टार्ट करके देख लेते, 4 5 या 20 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 और 4 4 जा 16 और 3 90। जीरो 10 हो गए, 10 में से 4 गए 6, 9 हो गए, 9 में से 9 गए 0, एक दो चला गया था यहाँ भी 0। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया है ना, अब इसे आपको चेक करना, चेक करना, चेक यानी कि डिवाइडेंड निकालना, हमें चेक में हम स्टूडेंट ये वाली डिजिट निकालते हैं,
डिवाइडेंट निकालना, डिवाइडेंट इक्वल टू कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, जो हमारा आंसर होता है वही हमारा कोशेंट होता है। इसकी मल्टीप्लाई हम क्या में करते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं, बी एन के डिवाइड करते हैं। और प्लस जो डिवाइजर, प्लस जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसे हम प्लस करते हैं। ओके स्टूडेंट, डिवाइडेंट इक्वल टू कोशेंट 204 मल्टीप्लाई डिवाइजर 485 प्लस 60। ओके स्टूडेंट, इन्हें डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ होगी। फोर फाइव जो 20 कैरी टू, 4 8 जा 32 और 2 34 36 4 फोर जो 16 और 319 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों डिजिट जीरो हो जाएंगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फाइव जो 10, 2 सिक्स जो 18 और 1 17 और 2 फोर जो 8 और 1 9 तो ये आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, 60 ऐड करेंगे, 20 देख लीजिए, आपका जो डिवाइडेंट है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही है। तो स्टूडेंट, डिवाइड कोई भी डिवाइड हो उसके लिए आपको टेबल बनाने आने चाहिए। ठीक है, गैस कर सकते हैं आप टेबल को। टेबल इतने, जैसे 485 का टेबल है स्टूडेंट, किससे आएगा, किसी से नहीं आता। तो आपको ये बनाना ही सीखना होगा, आप इन्हें याद नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।